इसलिए ये अद्भुत अद्भुत ही हमारे संप्रदाय में हमारे गुरु जी को जो देह है, इसलिए श्री भक्तिदास तीर्थ गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं, प्रीतव कथा प्रीतम तप्त जीवन कभी विरीडितम कल्मषापम महाराज जी, विशेष करके उन्होंने
विशेष करके रसमय ग्रंथों को भी प्रकाशित किया, ज्यादा ज्यादा रसमय ग्रंथों का हमारे महाराज जी प्रकाशित किया है, इसलिए इनका अवदान भी बहुत बहुत बड़ा अवदान। और मेरे जी गुरुदेव ने इनका एक विशेष वस्तु दिखाई, कहते मंदिर में जो कार्यकाल देख रहे हैं महामुख लीला कृष्ण लीला, कहते सर्वप्रथम मेरे गुरु बांधव वही ये मठ में हमारा तीनों मठ देखा, तीनों वर्ण पूरा सुंदर रूप में महाप्रभु गौर लीला और कृष्ण लीला राम लीला को गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से अपना मंदिर को सजाए। हमारे मंदिर में कभी जाओ तो पूरी लीला आप देखोगे, मानो मंदिर साक्षात बात करता है, मंदिर बात करता है, वहां पर सारी दीवार में महाप्रभु का भक्त ठाकुर का सब भक्त तत्व प्रेम तत्व कृष्ण तत्व जीव तत्व गुरुदेव ने सब दीवार में लिखे करके और सारे मंदिर को सुंदर रूप में बनाए। इसलिए गुरु जी को पूछा, बोले आपने ये सब मंदिर में इसका कारण ले क्यों किया है, ये सब पुतला क्यों बनाया है, कारण क्या है? फिर गुरुदेव ने कहा, देखो ये कलयुग आ गया है, ये कलयुग का जीव सहज में ग्रंथ प्रंथ को नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये कलयुग का जीव का कल्याण कैसे हो, इसलिए हमने ये सब चित्रकारी बनाया, कम से कम जीव अगर ये प्रभु का लीला को दर्शन करे, ये लीला को दर्शन करे तो उनका स्मरण करके, स्मरण करने पर कम से कम इनको भगवत सुकृति भी बनेगी, इसलिए हमने ये सब चीज को बनाया। और धीरे धीरे हमारे जितने सारे गौरी मठ में हम सबके सभी चित्रकारी सबके से बनाना शुरू कर दिया है। कहते हमारे गुरु जी के अंदर में हमने गुरु जी को पास करते हुए एक चीज को देखा, कहते जो भगवत भक्ति जगत में जो गुरु भक्ति है जिसको हमारे भक्त गुरुदेव महाराज जी कहा करते थे, ये गुरु भक्ति कहती है भक्ति जगत का बैकबोन है, ये रीढ़ है। इसलिए हमारे गुरु जी का चरित्र देखा, जैसे हम माला जप करते हैं, मैंने देखा गुरु जी को तीन बार हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद प्रभुपाद तीन बार, जैसे अपना गुरु जी को जैसे माला जप कर रहे थे, तीन बार अपना गुरु जी का काम किया करते थे। हमने देखा इनका प्रभुपाद में कितनी निष्ठा गुरु जी को प्रभुपाद से करनी, अपूर्व निष्ठा है, क्योंकि श्री गुरु जी का चरण में जिसको जितने भक्ति निष्ठा है कि उसका उतना ही भगवत भक्ति में उनका उतना प्रवेश है। इसलिए गुरु जी का चरण में अगर निष्ठा नहीं तो भगवत भक्ति में हमारा कोई प्रवेश नहीं। इसलिए गुरु गुरु जो निष्ठा है ये अद्भुत अद्भुत गुरु जी का चरण में हमने देखा है। कहते ये प्रभुपाद की जितने गाड़ी है वो साधारण नहीं। अभी मैं एक नया नया आया था पुरी में, देखो ये प्रभुपाद का गाइड कैसे, एक दिन हमारे गुरु जी ने बताए, देखो मेरे को लेने के लिए रथ आया है, अभी मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरे को स्नान कराओ और मेरे शरीर में तिलक लगा दो। ये गुरुदेव बोलने लगे, मेरे को रथ तैयार है, मैं जाऊंगा, मेरे को स्नान करके तिलक लगा दो। अभी इतना सुनते हैं सबके सब भक्त रोने लगते हैं, गुरु जी को स्नान कराया और गुरु जी को तिलक लगाया और सबके सब बैठ गए हरिनाम करने लगे। अब भक्त सब रो रो रहे, अब गुरुदेव आग बैठ गए हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम करते 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 आधा घंटा बाद में गुरुदेव से बोले, बोले महाप्रभु बोल रहे और कुछ अभी मत जाओ और कुछ काम बाकी है और कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, महाप्रभु मना कर रहे थे। देखो ये प्रभुपाद का गए के लोग मतलब ये कैसे कैसे प्रभुपाद के गए थे, हाँ वो स्वयं कह रहे हैं हम तो मेरे को रस आया है और मेरे को तैयार है मेरे जाने के लिए। इसलिए हमारे गुरुदेव का जो अंतिम जो उपदेश है श्री रूप गोस्वामी की, जो महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को जो रूप शिक्षा उन्होंने बताए, कहते हमारे गुरुदेव अंतिम समय पर उसमें 31 उपदेश है, 31 उपदेश है हमारे गुरुदेव को अंतिम समय पर 31 उपदेश को देखे गए, जिसको हमारे पत्रिका में अंग्रेजी पत्रिका में आयोग पढ़े होंगे, जिसमें 31 उपदेश गुरु जी का वो अद्भुत अद्भुत है। वो एक एक जो उपदेश है जैसे महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये भक्ति रस के समुद्र है, ये भक्ति रस समुद्र को हम उनको एक बूंद हम चखाना चाहते हैं। इसलिए मेरे गुरु
परमात्मा इसका जो एक जो पहला उपदेश सुना के करना मिलता है। गुरुदेव कहते हैं मतलब बद्धा जीव को मध्य में सदगुरु प्राप्त करना एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है। कहते अगर किसको हृदय में निष्कपट आरती अगर भगवान का चरण में नहीं हो तो जीवन में जीव सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसको श्रीमद् महाप्रभु बताए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। इसलिए हमारे गुरु जी कह रहे हैं बद्ध जीव को बद्ध में सदगुरु प्राप्त करना बड़ा कठिन। बोले क्यों? जो जीव है वो अपना इच्छा से सदगुरु को नहीं पहचान सकता। इसलिए इस श्लोक में बताए गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दी। भक्ति लता की जो बीज कहाँ से मिलता है? बोले गुरु और कृष्णा ये दोनों कृपा से मिलता है। अभी प्रश्न है बोले गुरुदेव तो शिष्य को कान में मंत्र गुरुवार प्रदान करते हैं, गुरु जी शिष्य के हृदय में भक्ति लता बीज को बोलते हैं, तो यहाँ कृष्ण का क्या काम है? यहाँ पर बताए गुरु और कृष्ण ये दोनों को कृपा से ये भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। तो वहां पर उदाहरण दिया जब तक कृष्णा जैसे चार तरह का जैसे गुरु बताए एक अंतर्ज्ञानी गुरु चैत्य गुरु एक पथ प्रदर्शक गुरु और एक शिक्षा गुरु और जैसे दीक्षा गुरु। इसलिए जो अंतर्ज्ञानी गुरु रूप में कौन है? बल्कि कृष्ण स्वयं। इसलिए हम जीव किसी गुरु को नहीं पहचान सकता है। गुरु जीव का हिम्मत नहीं वो अपना बुद्धि विवेक पांडित्य से गुरु को पहचान जीव का ये शक्ति है नहीं। जैसे उदाहरण दिया हनुमान जब जड़ी बूटी लेने के लिए गया था पर लंका जा रहा था हा? उसी समय ये बीच में ये काल में भी साधु बन करके आ गए। कहते बीच में ये काल में भी साधु बन करके आए और बीच में बैठ कर जय सियाराम कर रहा था। यहाँ शिक्षा दे रहे हनुमान जैसे व्यक्ति भी भ्रमित हो गए। हनुमान ने देखा ये बीच मेरे गुरु भाई कहां से आ गए। इसलिए हनुमान उतर गए और प्रणाम किया और उसने सब बात बोलने लग गया। एक मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति से मारा और तेरे को किसी वैद्य ने गंध मात्र पर्वत भेज दिया कि दवा लेने की। बोले तो परफेक्ट साथ सही साधु बात सही बता रहे हाँ ये तो सही बता रहे ये बात सही तो है। बोले अगर बोले तुम चिंता मत करो तेरे को जल्दी से जल्दी भेज दूंगा। हनुमान ने विश्वास कर लिया। बोले तेरे को विश्राम नहीं करनी चाहिए मैं शांत हूँ। बोले तुम क्या कर सकते हो राम से बोले कि पता भी नहीं मिलता है सब करने कराने वाले हो। बोले बात सही बता रहे। इसलिए हनुमान जैसे व्यक्ति भी वो भ्रमित हो गया वहां पर। बोले जब स्नान करके आओ भोजन कर और मैं गुरु मंत्र प्रदान करूंगा। हनुमान जब स्नान करके गए वहां पर मगरमच्छ पकड़ा और मगरमच्छ के साथ में युद्ध हुआ। हनुमान ने उसको वध किया फिर वो अफसर बन करके उसको उधार हुआ। तो सारी बात बताया बोले देखो वो जो बीच में बैठा है ना वो साधु ने काम नहीं की और रावण ने उसको भेजा तेरे को रोकने के लिए वहां रहना नहीं। फिर हनुमान आ करके मारा उसको। यहाँ पर शिक्षा देते हैं हनुमान जैसे व्यक्ति भी जहाँ छवित हो जाता है वो साधु मान लिया अर्थ हम तो साधारण जीव है। इसलिए यहाँ पर गुरु कृष्ण प्रसाद राय मेरे गुरुदेव कह रहे हैं गुरु कृष्ण प्रसाद राय भक्ति लता भी कहते जो भक्ति लता भी जो मिलेगा कहाँ से मिलेगा? बोले सदगुरु से मिलता है। हाँ जैसे लेकिन ये सदगुरु है कि है इस चीज को कौन जानता है? वो तो कोई नहीं जानता है। ये कौन जानते हैं? बोले केवल कृष्ण ही जानते हैं कृष्ण ही। इसलिए मेरे गुरु जी कह रहे हैं जीव का अगर निष्कपट रूप में भगवान का चरण में आरती और उत्कंठा नहीं रहे हे गुरु ठाकुर जी हमें सही जगह पर आप पहुंचाओ सही सदगुरु के पास में पहुंचाओ। अगर निष्कपट आरती नहीं रहे तो कभी ये बद्ध जीव ये कभी सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भगवत कृपा से ही जीव सदगुरु को प्राप्त कर सकता नहीं तो मेरे गुरुदेव बहुत एक समस्या का विषय है बहुत बड़ा समस्या का विषय है जीवन में सदगुरु प्राप्त करना। इसलिए कहते किसको कृपा से बोले गुरु और कृष्ण ये दोनों कृपा से जीव को ये भक्ति लता बीज को प्राप्त होना है।
कभी भक्ति लता भी शुद्ध वैष्णव से क्यों मिलता है और कहां क्यों नहीं मिलता है और उसको कहीं से मिल सकता है तो नहीं। तब इसी विषय पर श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कहते सतगुरु से लेने का क्या जरूरत है, ग्रंथ में तो लिखा हुआ मंत्र ग्रंथ से ही पढ़ लो, फिर हमको ये सतगुरु से लेने का क्या जरूरत है। तब जीव गोस्वामी कहते नहीं, ये सतगुरु से लेनी चाहिए। बोले कारण यही है, उन्होंने उदाहरण दिया ऐसे को कोई वृक्ष है जिसे वृक्ष का बीज को अगर डायरेक्ट लेकर अगर बोगे तो वृक्ष नहीं होगा, जैसे पीपल का वृक्ष बरगद का वृक्ष। बोले वो कैसे होगा, बोले उसको कोई चिड़िया खाता है, वो चिड़िया खा करके फिर उसको बीट करता है, इसलिए आप कभी बरगद का पेड़ का पीपल का पेड़ वो पेड़ को नीचे कभी वृक्ष नहीं देखोगे, कभी बरगद का पेड़ को नीचे पीपल का पेड़ कभी ये वृक्ष नहीं देखोगे, किसी छत के ऊपर पेड़ के ऊपर देखोगे। बोले क्यों, बोले कोई चिड़िया खाया उसको पेट में गया, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है जो उसके अब्दुल देने में ताकत प्रदान करता है, इसलिए कभी छत के ऊपर देखे कोई पेड़ के ऊपर दिखता है और इतना है इतना उसमें कठोर लगता है वो वृक्ष। जैसे वृक्ष बनने के लिए पानी और हवा और मिट्टी चाहिए, लेकिन हम सीमेंट को बदल जाता पेड़ को बदल जाता, मतलब जो उसको पेट में ले करके जब वो बीट करता है उसमें इतनी ताकत आ जाता है, अब देखा कि सीमा फाड़ करके वो वृक्ष हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया, जब सदगुरु से हम मंत्र पढ़ लेते हैं गुरुपाद पद्मों को मंत्र को लेकर के अपना हृदय में वो मंत्र को जप करते करते एक दिन मंत्र स्वयं जैसे कृष्णा है गोविंदा जो वो साक्षात बुद्धि स्वरूप धारण करता है, भगवत स्वरूप धारण करता है, फिर वो मंत्र को जब हम ग्रहण करते हैं फिर तो बहुत जल्द से जल्दी वो अंकुर और धीरे धीरे पत्ते फिर धीरे 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 वो भगवत प्रेम को प्रेम फल को प्रदान करता है। इसलिए मेरे गुरुदेव का जो पहला उपदेश है, फिर धीरे 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 रूप गोस्वाम का जितने सारे उपदेश है हमारे गुरुपाद ने वहां पर अंतिम उपदेश यही है, इसलिए अद्भुत रूप में हमारे गुरु जी इस उपदेश दिया, इसलिए उनके जीवन में बहुत बहुत वैशिष्ट और उन्होंने जो शिक्षा को जो शिक्षा गुरु है हाँ कभी हम अलग कहते हैं, उन्होंने एक स्वरूप माने जैसे जो भक्ति रूप और स्वरूप में बिल्कुल भेद है, रूप स्वरूप में बिल्कुल भेद नहीं, वो एक ही है, इसलिए जो शिक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु हमारे गुरुपाद एक दोनों को सम्मान और एक रूप में देकर उन्होंने सहला पति में पारे मन में